स्टूडेंट केन्ता अच सब भल भल। तो आज आम पढ़मा हाइजेन बर्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो ये कण कह देख ना न्यूक्लियस चारिपटे इलेक्ट्रॉन घूरुचे, तो इलेक्ट्रॉन किसी मास अच्छे जेहेतु घूरुचे वेलोसिटी अच्छे, अरे इलेक्ट्रॉन मास अच्छे ना, आहेतु घूरुचे न्यूक्लियस चारिपटे वेलोसिटी अच्छे, तो मास भी अच्छे वेलोसिटी अच्छे। तो ये महाशय कहले ना इटा इम्पोसिबल, इटा असंभव है जे आम इटा असंभव है ना जे आम गोटे समय एका टाइम एका तार पोजिशन एंड वेलोसिटी बाहर करमु विथ एब्सोल्यूट एक्यूरेसी, गोटे सठिक पोजिशन एंड वेक्टर आम बाहर कर असंभव है बुझेना, गोटे एब्सोल्यूट एक्यूरेसी आम बाहर कर गोटे एब्सोल्यूट एक्यूरेसी आम कण पोजिशन एंड वेलोसिटी बाहर कर गोटे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल रहा पोजिशन एंड वेलोसिटी आम बाहर कर बुझेगा। तो इनर मैथमेटिकल देखू, तो इनर मुझे नोट्रे देखीदेवी बुझेगा, नोट्रे देखीदेवी से जाना कही खाली बुझ। तो इट इज इम्पोसिबल पोजिशन एंड वेलोसिटी ऑफ ए माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल लिखीदेवी ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ए माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल एमपी लिखीदेली है, एमपी मैंने माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल विथ एब्सोल्यूट एक्यूरेसी। चिंता नहीं कर पे मुझे लास्ट टाइम वीडियो लास्ट नोट देखीदेवि बुझेगा, नोट इनर अच्छे मुझे देखीदेवि। तो इनर मैथमेटिकल पढ़सी देखी दि बुझेगानी मैथमेटिकल सहजे टाइपली। तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एच बाय फोर पाए, तो डेल्टा एक्स कण ना डेल्टा एक्स है अनसर्टेनिटी पोजिशन अफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, गोटे भी कन्स्टांट गोटे भी कन्स्टांट है बुझेगा। तो लिख ये कण अनसर्टेनिटी पोजिशन कण पोजिशन रहे पोजिशन अफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल ये कण पोजिशन रहे पिले ये कण ना ये अनसर्टेनिटी कण मोमेंट अफ ए माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। तो ये डेल्टा एक्स है अनसर्टेनिटी पोजिशन अफ माइक्रोस्कोपिक कण माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल कण पोजिशन रहे डेल्टा एक्स, कि डेल्टा पी कण मोमेंट रहे बुझिपार्छ, तो कण मोमेंट रहे डेल्टा पीटा बुझिपाल बुझेगा आम पे मोमेंट गलु कण कर एम भि मास इंटु वेलोसिटी, मोमेंटम यूज गलु कण मास इंटु वेलोसिटी बुझेगा। तो ये मास कण मास तो कन्स्टांट सी ना पे इलेक्ट्रोन तो मास तो कन्स्टांट है ना, अरे तुम मास तो कन्स्टांट है ना पिले, तो इलेक्ट्रोन मास तो कन्स्टांट है ना कहते 9.1 के गोटे, तो मास तो कन्स्टांट रहा भेरिएबल कण है वेलोसिटी चेंजिंग होतीबा ना, जेहतु घूरुचे वेलोसिटी चेंजिंग होतीबा, तो मोमेंटम इज इक्वल टू एम भि जेहतु मास कन्स्टांट पिले मास तो कन्स्टांट ना इलेक्ट्रोन रो, तो मास को मुझे एम लिखली जेहतु वेलोसिटी भेरिएबल बुझे चेंजिंग होतीबा ना वेलोसिटी तो चेंजिंग होतीबा, सोटा मुझे कण लिखी डेल भि लिखी बुझिपाल। तो मुझे इक्वेशन वाला इक्वेशन 1 देली, तो डेल्टा एक्स इंटु डेल्टा पी रही लिखिपार पिले यहाँ ये कण करदे डेल्टा पी करदे जेहतु वेलोसिटी भी चेंज हो कण मोमेंटम भी चेंज हाँ, तो डेल्पी डेल्पी जगह मुझे लिखिपारि एम डेल भी लिखिपार लिखिपार नहीं पारे, तो लिखिदे एम डेल भी इक्वल कण टू एच सरी पिली कण एच बाय फोर पाए मुझे सरी पिली कण फोर बाय फोर पाए लिखिदे हर बर एच हार कथा ना एच बाय फोर पाए बुझेलानी एच बाय फोर पाए बुझेगा कण पिली, तो मुई लिखीदेली एम डेल भी एत लिख पारि, तो लिखी पारि कि पारे ओके एवं मास्क मुझे कण ये नहीं मास्क ये आनली, तो लिखिपार डेल एक्स इंटु डेल भी एच बाय फोर पाए लिखीला कि नहीं, अरे है कि नहीं, तो डेल एक्स इंटु डेल भी ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाय फोर पाए, तो ये है तुम एतक खाली बुझिपाल। तो मास के के जी थ मास के के जी थ डेल्टा एक्स के मीटर रे थी के मीटर रे थी एच रूल्य तो जान चुके 6.62 × 10⁻³⁴ के जी देख के जी मीटर स्क्वायर सेकेंड आउ डेल भी तो तुम जान कण वेलोसिटी वाला मीटर पर सेकेंड बुझिपाल। इन नोट देखे दौ पी नोट देखी दिव देख,
तो नोट एंता लिखबो हला अकॉर्डिंग टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली बोथ द पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ ए माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी इट मींस दैट एट द सेम टाइम वी कैन नॉट मेजर बोथ पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी तो एब्सोल्यूट एक्यूरेसी आम बाहर कर गोटे पार्टिकल गोटे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल आम गोटे तार पोजीशन एंड वेक्टर एब्सोल्यूट एक्यूरेसी बाहर कर पारू तो मैथमेटिकल देखि दियो मुझे तो बुझे दीछे हला पी इक्वल टू एम भी लिखिली तो डेल पी इक्वल टू एम डेल भी लिखिपारि सियोर लिखिपारि जेहतु मास कन्स्टांट वेलोसिटी का चेंजिंग होता वेलोसिटी सोटा लिखिपारि ये लिखिपारि अरे हाँ हाँ लिखिपारि ठीक अच्छे आगे बढ़वा देन एंता लिखिपारि सी खाली तुम किसी नहीं पड़े खाली इतनी मैथमेटिकल सो नहीं रख ले पिले इटा इम्पोर्टेंट है बुझा इटा तुम सो रखा के बाध्य जमरजा आसले भी इटा के पास रख बुझेगा जदि तुमके जमरजा आसुचन बिल भी डरवा के डायरेक्ट इटा कहीदेव हाइजेन बर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल रहा लिखा के बाध्य आसिन क्वेश्चन मैं मेडिकल नहीं आसले भी इटा हेबा के बाध्य बुझेगा इट इज इम्पोसिबल टू मेजर बहुत सजा पिले आम इटा असंभव है मेजर करवा के बोथ पोजिशन एंड वेलोसिटी ऑफ ए माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल विथ एब्सोल्यूट एक्यूरेसी विथ एब्सोल्यूट एक्यूरेसी लिखा के बाध्य पोजिशन एंड वेलोसिटी लिखा के भी बाध्य बुझेगा यहाँ तो माइक्रोस्कोपिक तो इन प्रिंसिपल के यहाँ पूरा मन रखिद बुझेगा पूरा मन रख मोर संग कह थोड़ी मोर संग भले कह इट इज impossible to measure simultaneously both the position and velocity of a microscopic particle with absolute accuracy bujhela are ha ha